बीजेपी नेता और भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव ने रहुआ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा कर रहे हैं कि चुनाव में बसपा और बीजेपी एक साथ है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का चुनाव बचा हुआ है, जिसके लिए 7 मार्च को मतदान होना है। उससे पहले बीजेपी नेता का ऐसा वीडियो वायरल होने को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि बसपा का जनाधार अभी खत्म नहीं हुआ। तब ये माना गया था कि बीजेपी जानबूझकर बसपा का जिक्र कर सपा से हो रहे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाना चाहती है, ताकि वह जातीय वोटरों का ध्रुवीकरण कर अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। उल्लेखनीय है कि सपा और बसपा का मुख्य जनाधार पिछड़ी और दलित जातियों के वोटर हैं। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि इस बार ये वोटर सपा की तरफ ज़्यादा झुके हैं, जिस कारण बीजेपी को सीधी टक्कर मिल रही है। वहीं जमीनी राजनीति लड़ाई में बसपा की निष्क्रियता को देखते हुए लोग पहले से ही मायावती पर अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी को मजबूत करने का आरोप लगा रहे हैं। निरहुआ वीडियो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस दौरान वह भोजपुरी में ही पत्रकारों को जवाब देते हुए देखे जा रहे हैं और दावा करते हैं, या यूं कहिए कि खुलासा करते हैं कि अंदर खाते बीजेपी को बसपा का साथ है। यादव कहते हैं हाथी समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह तो यानी भाजपा के साथ ही है। इसके बाद वो पत्रकारों से भी पूछते हैं, अगर उन्हें नहीं पता है तो जान लेना चाहिए। इसके आगे निरहुआ कहते हैं, जहां तक साइकिल का सवाल है तो पिछली बार हाथी उस पर चढ़कर पंचर कर दिया है। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनावों में सपा और बसपा के गठबंधन कर लिया था। इस पर तंज कसते हुए निरहुआ ने ऐसा कहा। इसके बाद निरहुआ ने कहा, 2027 आते आते तो साइकिल खूंटी पर टंग जाएगा। इसके आगे निरहुआ ने कहा कि कमल खिलाइए और राज्य में विकास होता देखिए। नेक्स्ट 9 नेशन की रिपोर्ट। यहाँ तक हाथी का सवाल है तो हाथी तमन सनो है, ये तो हम लोग को पता है कि ना ना पता तो जान जा। और दूसर बात, जहाँ तक साइकिल का सवाल है, साइकिल पर हाथी पिछले बार चढ़ के पंचर कर देला। पिछले बार जब गठबंधन भेल रहे, हाथी के जब बैठा लेला साइकिल तो ओकर वजन उठा ना पैलस आ तब पंचर हो गए रहे। अबेदा परी भ्रष्ट हो जाई और 27 में जात जात टंगा जाई खुंटी पर। जहाँ खिली वहाँ कमल खिली। और भैया देखा, सब पढ़ल लिखल है, सब जानेला कि देश ओकरे हाथ में दहल जाला जे देश के मजबूत बनावे, जे देश के चलावे, ओकरे हाथ में कबो ना दहल जाला जे नेता के विरोध करे में, मोदी के विरोध करे में, अपने देश के विरोध करे लगे। एक बात बतावा, अखिलेश यादव पूरा टाइम वैक्सीन का विरोध कहना कि भाजपा का वैक्सीन ना लगवावल जाए। अब गरीब आदमी जो वैक्सीन ना लगवाई, अगर ओके कोरोना